अरवल जिले के करपी प्रखंड के 5 पंचायतों में 1,33,000 केवी वाट का बिजली पार कर रही है। पावर ग्राइड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ये बिजली पार की जा रही है, जिससे किसानों को खेतों में टावर गाड़ करके बिजली ले जाई जा रही है। टावर तो सारे खेतों में गड़ गए हैं, मगर किसानों को इसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। क्या समस्या है? टावर जो गड़ा है हमारा खेत में से, वो ही बड़ी नुकसान है। 15 कट्ठा जमीन बर्बाद हो गया। तो क्या इसका मुआवजा मिला था? ना, कुछ ना, हमें कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ जाएंगे ना जाएंगे। 1 बीघा जमीन फसल बर्बाद हो गया। तो इसके लिए कोई जो लोग टावर गाड़ रहे हैं उनसे क्या हुई, बात हुई आपकी? हाँ, उनसे बात हुई तो कहते हैं कि शायद 3 महीना समय लगेगा। 500 किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टावर गाड़ने के क्रम में ट्रैक्टर ले जाने के लिए हरी फसल को उखाड़ दिया गया है, जिससे भी किसान काफी परेशान है। वो एगो फॉर्म दिए, बात किए तो एगो फॉर्म दिया, सब अपने से भरे और बाद में कहें कि भर के दे दिए कि सरपंच या मुखिया से साइन करा लीजिए। सरपंच से साइन करा करके उनको दे दिए, कहें कि अब कहीं जाए के जरूरत न है, हम इसका मिल जाएगा मुआवजा, आपको खाता पर चल जाएगा। तो ये कितना दिन पहले फॉर्म भराया था? वो जब खेत में गाड़ने लगे तब। तो ये कितना दिन पहले गाड़े थे? करीब 15 से ज्यादा। सरकार का प्रावधान है कि जमीन अधिग्रहण के पहले मुआवजा की राशि भूमिदाता को पैड की कर दी जाती है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर मिश्रा जी के मोबाइल नंबर 77-63-80-48-04 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम पटकेसर, प्रखंड करपी, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।